भारतीय जनता पक्षाने ऑडिओ आहे का देखो भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा, त्याचबरोबर जे पी नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की माझ्यासारख्या नवख्या म्हणाला म्हणजे त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली, हा माझ्यावर टाकलेला फार मोठा विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन. भाजपाचं काम राज्यामध्ये अधिक वाढेल, वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्यांनी मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईल आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न, महाराष्ट्रातले विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत, जनसामान्याच्या आहेत, त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे. त्यामुळे या त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी राज्यसभेची उमेदवारी देऊन जी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे त्याबद्दल माझे शब्द अपुरे पडत आहेत. मी त्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आज भाजपा की राज्यसभा की उमेदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है. उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जे पी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुळे जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से, काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है. और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में दो बार, उसका पूरा फायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा. और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ. इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की है उनका आभार व्यक्त करता हूँ. टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट माय नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द कैंडिडेट फॉर द बीजेपी इन महाराष्ट्र. आई थैंक द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जी मोदी, श्री अमित भाई शाह द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी मिस्टर जे पी नड्डा, डेप्टी सी एम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी एंड महाराष्ट्र भाजपा प्रेसिडेंट श्री बावनकुळे जी, हु हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल एंड गेटिंग माय नेम अप्रूव फॉर द इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट. आई फील दिस इज द फेथ दिस दे हैव पुट ऑन मी, द ऑपॉर्चुनिटी दे हैव गिवन मी एंड न्यू कमर फॉर मी एज अ पर्सन लाइक मी ज्वाइनिंग जस्ट रिसेंटली द बीजेपी. I think it's a more of a faith, more of a from the BJP side that they have the thing that I am capable, and that's why they have entrusted this responsibility to me. And I'm sure that with this sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the center, raise the issues of the common man in the center,
and with today's BJP government in Maharashtra and definitely and in country, and definitely in the coming times we'll see that we have the BJP government again in the center, we'll be able to implement the issues raised and the problems of the common man of the country be resolved. So I'm grateful to the leadership for giving me this opportunity. अशोक जी मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी घोषित हुई है, किस तरीके से देखते हैं, खासकर के आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग समझते? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा, पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का, वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है। नांदेड़ से दो सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है राज्यसभा में, एक हमारे साथी है मिस्टर गोपछेड़े जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के, तो उनको भी घोषित किया गया है, वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ एक दूध शक्कर आयोग जिसे कहते हैं, कि दूध के साथ शक्कर की मिलावट दोनों हो गई है, और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है, और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा का ही होगा, इसलिए तीन सांसद नांदेड़ देगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। संजय राउत म्हणतात की नांदेडची जागा मिळून आणण्यासाठी रावणाला सोबत घ्यावं लागलं, ठीक आहे, काही दिवस राम म्हणतील, काही दिवस राम म्हणतील, काय म्हणायचं म्हणू द्या, मला त्यांच्या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाहीये। शेवटी निवडणुका आहेत, लोकशाही आहे, मतदानाच्या माध्यम लोकसंख्ये लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून यायचं आहे, आणि मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान, जे राजकीय बलस्थान आम्ही निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील, आणि नांदेडची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपाच आम्ही जिंकून आणू। निश्चितच दोन राज्यसभेचे उमेदवार एका जिल्ह्यातून मिळण्याचा हा कदाचित क्वचितच योग असेल। म्हणून तर मी असं आहे, माझ्या मनात काय किंवा माझी मागणी काय हे त्यांना कसं कळालं हा संशोधनाचा विषय आहे, परंतु त्यांना मी शुभेच्छा देतो, मी गेल्यामुळे एक चव्हाण तरी आहेत महाराष्ट्रामध्ये। अशोकजी, जिस तरीके से कल से काँग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, त्यांनी थलाने भी कहा कि डर के मारे जिस तरीके की वेव है वहां पर लड़ना चाहिए, लेकिन अशोक चव्हाण डर के मारे चले गए, वो डरपोक है, किस तरीके के शब्दों का उपयोग जो कर रहे हैं? डरपोक वरपोक नहीं रहता है, ये तो कहने की बातें हैं। जब हम साथ थे इतने सालों की मुश्किलों में हम किसी से डरे नहीं, और किसी डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अभी राजनीतिक एलिगेशंस होते हैं और मैं कोई उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो नहीं करता हूँ, आने वाला समय ही बताएगा कि हम किस तरीके। देखो, ऐसा कि मैंने राजनीति में कई सालों में काम किया है, और जो भी काम किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ, तो ठीक है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बताएं, अपना करेज बताएं, अपनी ताकत बताएं, और कांग्रेस को तो उनकी ताकत से क्या मिलता है ये भी जनता देखेगी। क्या रीज़न हो सकता है? मुझे लगा है बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैंने कहा ना, मुझे लगा बेटर अपॉर्चुनिटी है, उसको क्या रीज़न हो सकता है? काँग्रेस मी राज्य सरकार त्याला निर्णय घ्यायचा होता, ते राज्यसभेसाठी कुठं तिकडे गेलो असंही म्हणणं चुकीचं आहे। मी राज्यसभेच्या अपेक्षेने तिथे गेलो नाही, माझा मतदारसंघ सुरक्षित आहे, मला लोकांमधून मी निवडून आज अनेक वेळा आलेलो आहे, राज्यसभेत जायची कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल माझी, मी राज्यसभेत गेलोच होतो। ठीक है, मैं उनके बारे में अभी कोई वक्तव्य करना उचित नहीं समझता हूँ, वो हमारी नेता रही है, और तुरंत विपक्ष में जाने के बाद में मैं उनके बारे में टिप्पणी करूँ इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैं उनकी अभी भी इज्जत करता हूँ, मेरे कोई उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। एका रात्रीचा विषय नाही आहे, मी शेवटपर्यंत काँग्रेसचं काम करत नाही, आणि ज्या दिवशी निर्णय घेतला त्या दिवशीपासून मी तिथे गेलो नाही, नथिंग रॉंग इन दॅट, आय हॅव बीन वर्किंग फॉर दी पार्टी, आणि पक्षाचं काम करत असताना मैंने कहा कारण की क्या बात है, वो ऐसा है कि जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना जरूरी है,
लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना ज़रूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। मैं पहले से कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस में काम किया है मैंने, जो भी काम किया उसमें यश मिला है। मेरे को सवाल है कि आज जो बदल के हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मैंने उसलिए फैसला किया कि ठीक है, हम लोगों की जो मूड है, लोगों का जो नेशन का जो मूड है उससे सर जाएंगे। कालसने विशेष गेल्या अनेक वर्षापासून मी काँग्रेसमध्ये काम केलेलं आहे, काँग्रेसची कार्यपद्धती मला माहिती आहे आणि मी अनेक राजकारणात अनेक चढ उतार पाहिलेले आहे। त्यामुळे नाराजी नुसतीच व्यक्त करून उपयोग काय असतो? शेवटी असं आहे, कुठल्याही गोष्टीचा याच्यामध्ये लॉजिकल फॉलोअप ॲक्शन असायला पाहिजे। नुसतं त्या ठिकाणी नाराजी व्यक्त करण्यापेक्षा इट शूड विजिबल ॲक्शन, टाईमली ॲक्शन इट शूड बी टेकन। जे दिसत नव्हते वस्तुस्थिती पण ठीक आहे, त्यात काय मला बोलायचं नाही आहे। सोअर नथिंग अबाउट, टॉक टू मी अबाउट बीजेपी नाउ, नॉट अबाउट नाना पटेल। कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक कलह है लगातार, संगठन कमजोर होते जा रहा है, और ये वजह रही क्या कि इतनी इतना मजबूती के साथ आप लोगों खड़े होने के बाद भी निचला जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था, किसी हाईजैक होने की कोशिश? मैं अभी इस पे कोई कांग्रेस के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ, भाजपा ज्वाइन कर चुका हूँ, कांग्रेस में जो होना है उनके कर्मों का फल होगा, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। मैं यहाँ उतरा हूँ मैदान में और मैं मेहनत करूँगा, और जैसे कांग्रेस के लिए मेहनत जितनी ईमानदारी से किया है वैसे ही ज़्यादा ईमानदारी से काम मैं भाजपा के निश्चित तौर पर करूँगा, और जो उम्मीदें मुझ पर भाजपा के नेतृत्व ने लगाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने का प्रयास मेरा रहेगा। When it comes to Lok Sabha, 8 of the 48 Lok Sabha seats are from Marathwada. How do you see this strengthening the BJP in Marathwada? You see, with changing times, things have changed drastically in the state as well as Marathwada. I wouldn't like to come to a figure immediately because with the changed scenario, I'll have to first go into the depth of the local situation. But I'm pretty confident that BJP will perform definitely better in Marathwada as such. Already there are few seats, I think we'll add a few more with that. With the combination of Shiv Sena, this Mr. Shinde, and NCB of Ajit Pawar, these three parties will definitely come together and will avoid any split of votes and should get a fairly good share in that. आमच्याकडे बलुचिस्तानपर्यंत कितीही तक्रारी घेऊन गेलो तरी कोणी ऐकत नाही, आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे काँग्रेसचे खासदार 17 आमदार आहेत, आम्ही वैतागले अक्षरशः आमच्या पक्षश्रेष्ठी। नो कमेंट्स। आपल्यासोबत काय तुम्ही काँग्रेसमधून गेलो असेल मला कशाला विचार तुम्ही आपण सोडताना तुमच्या वरिष्ठांना भेटला होतात का? तुम्ही काय बोलून दाखवलेलं होतं का? काही चर्चा झाली? Past is past, nothing now. So, last of the years. आपके सहयोगी मिलिंद जी भी आपके साथ कल। हाँ, मैं खुशी है वो भी साथ में रहेंगे अभी। हम जो बिछड़े हुए थे अभी साथ में आ गए हैं राज्यसभा। थैंक यू सर। मिलिंद देवरा एक जुने सहकारी आहेत, अनेक वर्षापासून त्यांचा परिचय माझा आहे, त्यांच्या वडिलांपासून माझी चांगले संबंध राहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा परिचय आहे, आणि त्यामुळे मिलिंद देवरा मी आणि बाकीचेही भाजपचे जे सहकारी ज्यांना तिकीट मिळाले, गोपछेडे असतील, मेधा कुलकर्णी आहेत, सगळ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो की संधी निश्चित मिळते आहे, आणि तिथे हंडोरे नाही दिले त्यामुळे सभागार त्यांची भेट होईल। मुश्किल आहे।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.